तो आके चुप चुप चला गया जाए। चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति देखिए, दीपावली के होली के समय में कैसे लोग भर भर के जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हम कहते हो आप सभी ठीक हो। तो दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से एक लफड़ा हो रहा है, लेकिन ये सच ये झूठ है लेकिन हमें भी पता नहीं है। मैं दो दिन पहले एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, यूट्यूब स्क्रॉल करके करके एक वीडियो निकाल के आया। तमिलनाडु के अंदर बिहारी के जो लोकल इंसान है मजबूरी है, बिहारी के जो मजबूरी है वो तमिलनाडु के अंदर काम करने के लिए गया था, लेकिन उन लोग अभी कह रहा है कि बिहारी के जो लोकल इंसान है वो लोग जान से मर रहा है। तमिलनाडु जो तरवाल है, तरवाल से मार रहा है, डायरेक्टली जान से मार रहा है गाइस। लेकिन गाइस जो बिहारी के मजबूरी है वो लोग अभी कह रहा है कि यह सारी बात सच है, लेकिन उन लोग कह रहे हैं उस उनकी आंखों के सामने इसे मारने के लिए देखा, लेकिन उन लोग भी वीडियो बना के यूट्यूब पर भेजा, फेसबुक स्टेटस में लगा दिया, लेकिन ये हमें भी पता नहीं है ये सच है ये झूठ है। लेकिन तमिलनाडु के जो लोकल इंसान है वो लोग कह रहे हैं, हम लोग तमिलनाडु में रहता हूँ लेकिन हमें भी पता नहीं है बिहारी के लोगों को कैसे पता चल गया। लेकिन गाइस मुझे तो लगता है ये सारी बात सच है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर डायरेक्टली वीडियो देखा, डायरेक्ट रोड के बीच में जो तमिलनाडु के लोकल इंसान है वो लोग रोड के बीच में डायरेक्ट मार रहा है, लेकिन वहाँ से कोई आदमी रोड के बीच में जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, पुलिस भी वहाँ से जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहा है उसको क्यों मार रहा हो। लेकिन बिहार के लोगों को मजबूरी, जो लोग मजबूरी काम कर रहा है उन लोगों को डायरेक्ट मार देता है तमिलनाडु के लोगों को। लेकिन मैं भी यूट्यूब पर डायरेक्टली मारने का वीडियो देखा, रोड का जो बीच है बीच के अंदर डायरेक्टली मार रहा है तरवाल से। और अब तमिलनाडु का जो पुलिस है, पुलिस लोग है वो लोग कह रहा है कि हमें भी पता नहीं है, हम लोग तमिलनाडु में रहता हो लेकिन हम यहाँ का पुलिस हूँ लेकिन हमें भी पता नहीं है, वहाँ का जो सीएम है वो भी ऐसे कह रहा है जो हम लोगों को ऐसे पता नहीं है। लेकिन क्या तमिलनाडु का जो पुलिस है वो लोग कह रहे हैं ये बहुत दिन पहले का वीडियो है, आपका अभी का वीडियो है, तमिलनाडु का वीडियो नहीं है। लेकिन बिहारी का मजबूरी कह रहा है नहीं है, ये अभी का वीडियो है। लेकिन आप देखते हैं बिहारी के लोगों का क्या कह रहा है और तमिलनाडु के जो लोकल इंसान है उन लोग क्या कह रहा है, पुलिस भी क्या कह रहा है, ये दिखा दो आपको, सारी वीडियो दिखा दो अभी, तो चलो दिखाते हैं। चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का नेता दोषी है सब। देखिए स्थिति देखिए, दीपावली के होली के समय में कैसे लोग भर भर के जा रहे हैं। हमारे एक आदमी को मार दिया है, क्या बोलता है हम लोग, आप लोगों को कोई मारा पिटा है कि नहीं? हमारे रूम के बगल में बाजू में था, उसको मारा है, उसको मारा है। क्या स्थिति है, कंपनी में काम कर रहा है ड्राइवर, बोला है कि मेरे आगे सामने मेरे रिलेशन के आदमी का मारा है। सरकार को यहाँ आना चाहिए, सरकार तो आके चुप चुप चला गया जाए। जब हम लोग अभी तमिलनाडु एलएनटी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम लोग जंगल में हैं, कल परसों के वीडियो में देखे हैं बहुत बेरहमी से हमारे बिहारी भाइयों को चाकू मार दिया गया, ऐसा तमिलनाडु का आदमी क्यों कर रहा है? इस पे सरकार को अति करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, आप ही लोग बोलिए। तो जिसको मौत हो गया उसको वीडियो आ गया कि देखो कैसे चाकू मार रहा है, जो चाकू मारा उसका वीडियो अभी तक नहीं आया। मारा उसको वीडियो का ही नहीं आया, उसको भी तो है कि त्रिपुर में जो लेबर यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, और भी जो भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर वो सेफ नहीं है, या फिर उनके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसी एक ख़राब और गलत न्यूज़ फैल रही है। वो एक्चुअली न्यूज़ जो है उसमें ये है कि एक बंदा दिखाया जा रहा है कि जो उसको रोड पे नीचे बिठा के उसको पीटा जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई संभव, ऐसा कोई इशू या ऐसा कुछ त्रिपुर सिटी में हुआ ही नहीं है। इसके खिलाफ़ एक FIR आज रजिस्टर की जा रही है त्रिपुर सिटी में, और जो बंदा इस अफवाह को फैला रहा है उसका एड्रेस हम IP एड्रेस वगैरह ट्रेस करके, जब अपना जो भी सोर्स है उससे ट्रेस करके उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने इस त्रिपुर सिटी में जो भी नॉर्थ इंडिया से आने वाले, चाहे वो बंगाल से आने वाले हों या बिहार से आने वाले हों या झारखंड से आने वाले हों, उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए और उनकी कोई परिचय उनके कोई इशू हो उनको सही करने के लिए या उनका समाधान हम ढूंढने के लिए हमने दो नंबर हमने शुरू करे हैं जो 24/7 डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिटी पुलिस में चलेंगे। उस पर कोई भी बंदा कोई भी शिकायत कोई भी परेशानी अपनी शेयर कर सकता है और अपने अपने इशू का वो अपना सोल्यूशन ले सकता। तो गाइस अभी आप लोग बताओ ये सच है या झूठ है, लेकिन हमें भी पता नहीं ये सच है झूठ है।
लेकिन ये मैं भी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखा, लेकिन आप भी अभी कमेंट में बताओ ये सच है झूठ है। ये सच है तो बिहारी का जो लोकल इंसान है, बिहारी का जो मजबूरी है, ये कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं छोड़े। लेकिन पुलिस का, तमिलनाडु की पुलिस कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन तमिलनाडु की जो पुलिस है वो कुछ नहीं कहेंगे तमिलनाडु को लोकल इंसान को, लेकिन बिहारी का जो मजबूरी है वो कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।